हमारा अगला जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है वो है BUN, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल ब्रांच। अगर आप यहां स्टेबल में देखें, ये ब्रांच अनकंडीशनली। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। देखिए नॉर्मली अभी मान लीजिए जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेमोरी में लोकेशन नंबर 20 पे है, ये एड्रेस है 20। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर आप यहां पे देखें टाइमिंग साइकिल में, जब ये फ्लो चार्ट में, यहां पर प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट अपडेट हो जाते हैं T1 टाइमिंग साइकिल पे होते हैं। तो जब टाइमिंग साइकिल के कंटेंट अपडेट हो जाएंगे तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट क्या होंगे? 21। और जब पूरा इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, भूल जाइए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो सीक्वेंस काउंटर दोबारा 0 होगा, फिर से प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जाएंगे एड्रेस रजिस्टर में, जो कि कौन सा एड्रेस जाएगा? 21। यानी कि इंस्ट्रक्शन फेचअप कहां से होगा? लोकेशन नंबर 21 से। अगर मैं किसी भी तरीके से प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को बदल देता हूं और कोई और एड्रेस, यानी कि 135 डाल देता हूं, इस प्रोसेस के बीच में किसी भी जो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है T1 टाइमिंग सिग्नल के बाद, किसी भी स्टेप में अगर मैं प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट अपडेट कर देता हूं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उस ही लोकेशन से फेच होगा जो कि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट है। ठीक। तो अब हम देखते हैं अनकंडीशनल ब्रांच क्या है। अनकंडीशनल ब्रांच ये है कि आप कोई भी कंडीशन चेक नहीं करनी, जैसे ही इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर हुआ आपको ब्रांच कर जाना है, और ब्रांच किस एड्रेस पे करना है? जो इस इंस्ट्रक्शन का, ये तो है मोड सिलेक्शन बिट, ये है ऑपकोड बिट, और जो ये 12 0 to 11 बिट है, यानी एड्रेस रजिस्टर के जो कंटेंट है, वो लोकेशन जो है वो उस एड्रेस पे ब्रांच कर जाए। अब ये ब्रांच होगा कैसे? अगर हम इस एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में डाल दें, इस 135 एड्रेस जो इस एग्जांपल में दिखाया गया है वो अगर हम प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दें, तो अगला इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद, जो कि लोकेशन नंबर 20 पे है, 21 ना एग्जीक्यूट होकर 135 एग्जीक्यूट होगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है। देखिए अगर आप यहां पर देखें गौर से, ब्रांच अनकंडीशनली, तो यहां पे क्या हो रहा है? ये ब्रांच BUN कब होता है? जब ये ऑपरेशन डिकोडर का जो आउटपुट D4 एक्टिव होता है। तो ये यहां लिखा है D4 और T4। तो यहां पे क्या हो रहा है? एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट जो है वो प्रोग्राम काउंटर में अपडेट कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उसके बाद सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा? T4 के बाद T0 टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा, और फिर T0 टाइमिंग सिग्नल में क्या होगा, क्या होता है उसमें? प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट एड्रेस रजिस्टर में चले जाएंगे। अब चूंकि हमने प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट मैनिपुलेट कर दिए हैं, ऐसा एड्रेस डाल दिया है जो कि कोई डिफरेंट लोकेशन है, तो उस डिफरेंट लोकेशन से ही जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच होगा। तो हम दोबारा समझते हैं, ये देखिए ये ऑपकोड है, ये मोड सिलेक्शन बिट है, ये एड्रेस पार्ट है। अगर ये एड्रेस पार्ट के कंटेंट को हम प्रोग्राम काउंटर में डाल दें, तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस ही एड्रेस से उठाएगा। ये ऑपकोड तो BUN बता रहा है, ब्रांच अनकंडीशनल, और अनकंडीशनली किस एड्रेस पे ब्रांच करे? इस एड्रेस पे, जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के एड्रेस पार्ट पे स्पेसिफाई किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के एड्रेस पार्ट पे जो एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ है उस एड्रेस पे ब्रांच कर जाए, ये इसका मतलब है। तो अब इसको एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है जो पहले मैं एक बार बता चुका हूं आपको। इस वक्त ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि मेमोरी की लोकेशन नंबर 20 में स्टोर्ड है इस वक्त। ठीक। और जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ तो पता लगा कि ये अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ये अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब ब्रांच करना है अनकंडीशनली, किस लोकेशन पे? इस लोकेशन पे, जो कि इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के एड्रेस पार्ट
में स्पेसिफाई किया है। तो इसके लिए क्या करें हम, अगर इस इंस्ट्रक्शन कोड के एड्रेस पार्ट के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में लिख दें, यानी कि प्रोग्राम काउंटर को हम यहां पे वैल्यू 135 कर दें, तो अगला इंस्ट्रक्शन 135 से ही लोड होगा, यही यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप देखें यहां पे गौर से, प्रोग्राम काउंटर सॉरी एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया और सीक्वेंस काउंटर को जीरो कर दिया। यहां पे एड्रेस रजिस्टर लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि यहां पर जब यहां पे इंस्ट्रक्शन फेच हुआ था, अगर हम यहां तो ये कंटेंट एड्रेस रजिस्टर में लोड हो गए थे। ये देखिए इंस्ट्रक्शन कोड के 0 to 11 बिट एड्रेस रजिस्टर में लोड हो गए, इसलिए एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट उन्होंने यहां पर प्रोग्राम काउंटर में अपडेट कर दिए। तो ये था अनकंडीशनल ब्रांच।